पुणे में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पुणे में 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं। यही नहीं, महज 24 घंटों में ही पुणे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो पुणे में कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हुई है। विवेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मरीज मिले हैं, ये चिंता की बात है पुणे के लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा जसप्रीत आपने। देखिए, पुणे में जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले हैं उनमें लगातार जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है और महाराष्ट्र सरकार और पुणे प्रशासन के लिए भी। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ पुणे में 400 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले अब सामने आ चुके हैं, और अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 56 नए मामले सामने आए हैं, और जिनमें से 4 जो कोरोना के मरीज हैं उनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अपने आप में ये पूरा मामला गंभीर है। जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं तो काफ़ी गंभीर मामला बढ़ता जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे पूरे महाराष्ट्र में पुणे, पिंपरी चिंचवड़, मुंबई और मालेगांव और नागपुर, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना वायरस के जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है कि वो अपने हर संभव कोशिश कर रही है कि इन मरीजों को अच्छे से अच्छा इलाज दी जाए ताकि जो वायरस है वो दूसरी जगह ना फैले। जसप्रीत, बिल्कुल विवेक, नजर आप